प्रिय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं पंडित नरेंद्र नाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर, ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र नाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस प्यार सने के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि अपने प्रोग्राम, अपने वीडियो के माध्यम से आपको अधिक से अधिक कुंडली देखने का ज्ञान प्राप्त कराएं, चाहे वो लग्न हो, चाहे राशि हो, चाहे भाव हो, चाहे कई ग्रहों का युक्ति हो। आप इसी प्यार के साथ हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए, एक समय आएगा खुद आप कुंडली देखने की ज्ञाता हो जाएंगे। आज बहुत मित्रों की फरमाइश है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। शनि सूर्य मंगल की युक्ति। सूर्य मंगल तो दोस्त आपस में मित्र हैं, मगर शनि मंगल का भी शत्रु है, सूर्य का भी शत्रु है। अगर ये एक युक्ति में बैठते हैं तो आपके जीवन से, आपके भाग्य के साथ कैसा खेलते हैं खेल, मैं लग्न से लेके 12 भाव का प्रभाव बता रहा हूँ। जिसके लग्न में शनि मंगल सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग का शादी विवाह में रुकावट आता है, ऐसे लोग की बुद्धि भ्रष्ट होती है, ऐसे लोग शंकित होते हैं, ऐसे लोग कभी जीवन में अच्छी उन्नति नहीं कर पाते। जिसकी कुंडली में लग्न से दूसरे भाव में शनि मंगल सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग दूरदर्शी होते हैं, धन कमाने की इच्छुक रखते हैं, आलसी होते हैं, कम परिश्रम में अधिक धन कमाना चाहते हैं, जिसके कारण ये असफल रहते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से तीसरे भाव में शनि मंगल सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग माता पिता के दिए हुए धन को भी बर्बाद कर देते हैं, भाई बंधुओं से केस मुकदमा लड़ते हैं, ऐसे लोग बचपन से ही क्रोधी और जिद्दी होते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से चौथे भाव में शनि मंगल सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग नशेबाज हो जाते हैं, ऐसे लोग के चरित्र गिर जाते हैं, ऐसे लोग गलत लोगों की दोस्ती करते हैं, इनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, कभी भी ये उन्नति नहीं कर पाते। जिसकी कुंडली में लग्न से पाँचवें भाव में शनि मंगल सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग शिक्षा तो अच्छी पाते हैं मगर उसका लाभ नहीं ले पाते हैं, प्रयास करने पर भी उनको सफलता नहीं मिलती है, जीवन में अधिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जिसकी कुंडली में लग्न से छठवें भाव में शनि मंगल सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग उदार होते हैं, भावुक होते हैं, दयालु होते हैं, समाज सेवक होते हैं, शत्रु को भी मित्र बनाते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से सातवें भाव शनि मंगल सूर्य की युक्ति होती है, ऐसे महिला हो या पुरुष इच्छा अनुसार शादी नहीं होता है, दाम्पत्य जीवन भी बर्बाद कर हो जाता है, इनको अच्छा पद मिलते हुए भी उसका लाभ नहीं ले पाते हैं, ऐसे लोग कर्जदार भी हो जाते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से आठवें भाव में शनि मंगल सूर्य की युक्ति है, ऐसे लोग गुप्त विद्या के ज्ञाता होते हैं, ऐसे लोग व्यावसायिक शिक्षा पाते हैं, ऐसे लोग अपने कला के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से नौवें भाव में शनि मंगल सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग उद्योगपति होते हैं, व्यापारी होते हैं, ऐसे लोग छोटी सी नौकरी करके उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से दसवें भाव शनि मंगल सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग करोड़ों रुपया जीवन में कमाते हैं, ऐसे लोग को सरकार से पद मिलता है, ऐसे लोग संसद विधायक मंत्री बनते हैं और इनका जीवन सफल रहता, अपने नाम से पहचाने जाते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से ग्यारहवें भाव में शनि मंगल सूर्य की युक्ति हो, क्या बात है दोस्त, ये रंग से राजा बनते हैं, कई जमीन जायदाद के मालिक होते हैं, विदेश भी जाते हैं।
जिसकी कुंडली में लग्न से 12वें भाव में शनि मंगल सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, विचारों से परेशान रहते हैं, इनका निर्णय सही नहीं होता है, शंकित रहते हैं, किसी पर विश्वास नहीं करते हैं और इनका परिवार में भी विचारों का मतभेद रहता है। ये छोटा सा वीडियो आपके सामने, शनि मंगल सूर्य की युक्ति आपके जीवन से कैसा खेलता है खेल, ये हमने बताया प्रत्येक भाव में। आपके सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 9425308111 है। ये फ़ोन नंबर मैं इसलिए देता हूँ कि कोई मित्रगण को अगर अपने कुंडली का पूरा विवेचन कराना है तो संपर्क करें, उसका कुछ फीस देना होगा, फीस देंगे तो मैं पूरा विवेचन कर दूंगा। इतना कहते हुए वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।